अगर आप अभी कॉलेज के अंदर आए हो और कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप कॉलेज के अंदर पहले से ही आ चुके हो, एक दो साल हो चुके हैं, सेकंड थर्ड ईयर में हो, बट आपकी कोडिंग की जर्नी अभी स्टार्ट होने वाली है, तो मैं कुछ टिप्स यहाँ पे लिख के लाया हूँ और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए। क्योंकि देखो, मैं अपनी भी अगर बात करूँ और बहुत सारे और कोडर्स की बात करूँ, स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो सबकी एक सेम प्रॉब्लम फेस सब करते हैं, विच इज़ टाइम वेस्ट। ठीक है, टाइम वेस्ट एज इन कि हम सेम चीज़ को बार बार पढ़ना, या बेसिक्स को अवॉइड कर देना, सीधा एडवांस चीज़ों पर जंप करना, फिर इरिटेट हो जाना। तो इन सब चीज़ों का हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। एंड क्योंकि इसको बेसिकली आप एक अच्छा गाइडेंस वीडियो की तरह समझो, और प्लीज़ यार एंड तक ही देखना, बीच में छोड़ के मत जाना वीडियो को। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बिल्कुल लिख के लाया हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊँगा, इन सारी चीज़ों का आपका ध्यान रखना है ताकि आपके मन में क्लैरिटी हो, इरिटेशन बिल्कुल भी ना हो, और आप आराम से कोडिंग को इंजॉय भी कर पाओ। ठीक है, क्योंकि देखो, किसी भी प्रोसेस को हम इंजॉय तब कर पाते हैं जब हमने ढंग से उसके बेसिक्स पढ़ रखे, और फिर हमें मज़ा भी सच में जेन्युइनली हमसे चीज़ें सॉल्व हो पा रही है। ठीक है, अब ऐसा तो होता नहीं है ना कि यार मेरे को ड्राइविंग बहुत पसंद है लेकिन मेरे को आती नहीं है अच्छे से, समझ रहे हो? तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहली बात तो यार, कभी भी आप पढ़ रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। एंड उससे भी पहला पॉइंट ये है कि स्टार्ट करो, आप ज़्यादा सोचो मत, 10-15 वीडियोस मत देखो कौन सी लैंग्वेज से शुरू करना चाहिए, कौन सी से नहीं करना चाहिए, स्टार्ट करो। बस आपको एक ट्यूटोरियल दिख रहा है, प्लीज़ उसे शुरू करो। आपको किसी भी लैंग्वेज से अगर आप स्टार्ट करते हो, एक आइडिया लग जाएगा कि क्या मैं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, एक बेसिक सा आइडिया आपको लग जाता है। दूसरा, आपको कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि स्टार्टिंग में इनपुट आउटपुट लेना सीखोगे, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ोगे, लूप्स को करोगे, पैटर्न प्रिंटिंग पढ़ोगे, फंक्शन पढ़ोगे। तो मैं आपको एक टाइमलाइन दे देता हूँ, बेसिक्स को अगर आप 3-4 घंटे देते हो तो बहुत अच्छा रहता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि ईजी लगती है स्टार्टिंग की कोडिंग, तो भाई आधा एक घंटे में समझ लेते हैं उसको, फिर सीधा आगे बढ़ जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है। एक बेसिक्स भले ही कितना भी आसान हो आपका, फिर उसके बाद इफ एल्स भी, लूप्स भी, ये टॉपिक्स आपको कितने भी आसान लगे, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप इनमें ज़्यादा से ज़्यादा घंटे दो। इनफैक्ट अगर इन तीनों टॉपिक मिला के आप 10 घंटे भी देते हो तो टोटली वर्थ इट होने वाले, 10-12 घंटे भी इनफैक्ट। क्योंकि जब आप बार बार भी इजी चीज़ों को भी बार बार करोगे स्टार्टिंग में, तो आपकी कोडिंग की हैबिट तो नहीं है उस समय जब आप स्टार्ट कर रहे हो, और होता क्या है कि एक नई एलियन लैंग्वेज टाइप सी लगती है, मतलब लिखते तो इंग्लिश में है बट जब आप कोड लिखते हो तो उसका सिंटैक्स, जो कि आप लिख रहे हो उस चीज़ को सिंटैक्स कहते हैं, वो याद होना मुश्किल होता है। तो जितनी बार आप लिखोगे ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन हो जाएगी, तो वो एक अच्छा चीज़ रहती है। तो प्लीज़ इनमें 4-4 घंटे ज़रूर लगाना इन 5 टॉपिक्स में, विच इज बेसिक्स, इफ एल्स, लूप्स, पैटर्न प्रिंटिंग एंड फंक्शंस। अगर आप इनमें 15-20 घंटे भी लगाते हो, मैं तो कहता हूँ तो वर्थ इट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि आगे की जर्नी आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी। ठीक है, इनमें लेकिन आप बिल्कुल कंजूसी मत करना पढ़ने की। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना, ज़्यादा से ज़्यादा सेम भी हो, थोड़े से सिमिलर हो, उनको भी करना आपकी हैबिट बैठ जाएगी। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में, C++, जावा में से प्रेफरेबली। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है जो पेन पॉइंट होता है बच्चों का, पिक वन लैंग्वेज। तो स्टार्टिंग में देखो, एक होता है कि आप कॉलेज में क्या पढ़ रहे हो उसको साइड कर दो अभी के लिए। ठीक है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कॉलेज में, भले ही आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हो, C++ पढ़ा रहे हो, पाइथन पढ़ा रहे हो, उसको तो अपनी एक साइड रखो। ठीक है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। एक है आपकी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन, जिसके लिए लैंग्वेज के साथ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आना चाहिए, या जब आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसके लिए भी लैंग्वेज आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग तो आपको आनी ही चाहिए इवन डेटा साइंस के करियर में भी। ठीक है, बट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और बेसिक प्रोग्रामिंग तो आपको करनी है। तो ये जो आप कर रहे हो अपनी अलग से पढ़ाई करनी होती है, आपको कॉलेज बहुत सारी चीज़ें नहीं कराने वाला है, तो प्लीज़ उन पर रिलाय मत करना। स्पेशलिस्ट कॉलेज अलग होते हैं बट बहुत ही कम होते हैं, तो इसको साइड रखना और अपनी एक लैंग्वेज पकड़ो, जैसे कि मैं कहता हूँ C++ को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, इसमें स्टार्ट करो, आप पढ़ो। बहुत ज़्यादा अगर आपको पता नहीं फिर भी लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं होता, तो जावा के साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जावा को लैंग्वेज को पकड़ो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करो, बेसिक टॉपिक पढ़ो, फिर उसी के अंदर आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ बार बार कभी C++ करना, जैसे मेरी गलती क्या क्या रहती थी, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं था, जो अगला पॉइंट है। ठीक है, कंसिस्टेंसी नेक्स्ट पॉइंट को बोल ही देते हैं, कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है कोडिंग में। इनफैक्ट आप कुछ भी पढ़ रहे हो इन जनरल, तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ही पड़ती है। बट अगर मैं जैसे कि बात करूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, या कोई और टॉपिक्स की, कोई और सब्जेक्ट्स की, तो उसमें फिर भी यार काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, तो आप कोई चीज़ पहले भी पढ़ सकते हो, उसको बाद में भी पढ़ सकते हो। एज सच ऑफकोर्स टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं बहुत सारे, कि भाई अगर आपका फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, बेसिक आपके कहते हैं काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन और ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, तो रोटेशनल मोशन आपको नहीं आता समझ, बट स्टिल काफ़ी ऐसे टॉपिक्स होगी जो आप फिर भी पढ़ पाओगे।
कोडिंग के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि यार आपको एक ऑलमोस्ट 80% ऑफ चीज़ों को यार आपको लीनियर एक स्ट्रक्चर तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास 15 टॉपिक है तो मेरे को उनको लाइन वाइज ही पढ़ना पड़ेगा, पहले ये फिर ये। मैक्सिमम आप किसी 2-3 एडजेसेंट टॉपिक्स को स्वैप कर सकते हो एक दूसरे से, बट आपको वो ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब प्रीवियस टॉपिक्स का यूज़ आपको नेक्स्ट टॉपिक में आएगा ही, उसके बिना वो चीज़ समझ नहीं आएगी। तो इसलिए कंसिस्टेंसी यहाँ पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंसिस्टेंसी का सिंपल मतलब है, अगर आप रोज़ आधा आधा घंटा भी पढ़ रहे हो, विच इज़ हफ्ते का कितना, 7 × 30 कर लो, विच इज़ मतलब आधा आधा घंटा, गलत मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपके 3.5 घंटे हो गए। तो 3.5 घंटे का हफ्ते आप पढ़ रहे हो, कंपेयर टू अगर आप सिर्फ सैटरडे संडे 2-2 घंटे भी पढ़ रहे हो या 3-3 घंटे, तो ये रोज़ वाला पढ़ना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ये मैं बिल्कुल सही एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब यहाँ पे कोडिंग में आपको ब्रेक मिलता है ना बीच में, ठीक है, तो आपको वापस से सारी चीज़ें वापस से करनी पड़ती है कहीं ना कहीं। और फिर बच्चा क्या सोचता है कि अच्छा दूसरी लैंग्वेज में ट्राई करता हूँ, तो ये दो लैंग्वेज में स्विच करने वाली दिक्कत मत करना, और बीच में गैप्स आप कम से कम देना, ये सबसे बड़ी टिप रहती है। भले ही ऑल्टरनेट डे पढ़ लो, 2 दिन का मैक्सिमम गैप दे दो, बट यार कोड करते रहो स्टार्टिंग में। देखो अगर एक बार आप 1-2 महीने तक इस प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, पहली बात तो आपकी आदत लग जाएगी अच्छी, दूसरी अगर उसके बाद आपके गैप आते भी है 1 हफ्ते के, तो वो आप सह पाते हो, ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं आती। बट स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आएगी, जब आपका हाथ बैठ जाएगा ना उस कोड में, मतलब उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो चीज़ें सही रहती है। लास्टली यार ये एक लास्ट पॉइंट है मेरा, विच इज़ यस, कोड करना ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई भी पढ़ा रहा होगा, तो बोर्ड पे भी आपको लिख के क्वेश्चन को समझाएगा, पहले उसका एल्गोरिदम, फिर करना कैसे है, आपको खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भले ही आप देख के कर रहे हो, पहले पूरा सॉल्यूशन देख लिया, बट जब तक आप खुद कोड नहीं करोगे और सिर्फ आप लिखते रहोगे ज़्यादा, या आप बस अपने नोट्स बनाते रहोगे और कोड ज़्यादा नहीं कर रहे होगे, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो नोट्स कम बनाओ, कोड ज़्यादा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट यार ये है, अगर आपको यार फ्रेंड्स मिल जाते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल भी सेम ही चीज़ पढ़ रहा है और उसी पेस पे शुरू कर रहा है ना, तो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। फिर आप रोज़ एक दूसरे से कैचअप कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो एक दूसरे से, जो अपनी टीचर से पूछने में अगर आपको शर्म भी आती है तो ये सब चीज़ें चल जाती है। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर लिया ढंग से, तो आपको यार कोडिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ट्रस्ट मी, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि वो ये सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते। आप इनको करोगे और कहीं ना कहीं आपका बाद में मन भी लगेगा ये करने में, जिसमें आपको मज़ा आएगा बाद में, एंड वो वाली फील नहीं आएगी कि यार ये क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ट्राई करके देखना, एंड कमेंट्स में बताना अगर आपको मदद करता है तो।